नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विराटनगर के राजा का नाम चंद्र प्रताप था और उनके मंत्री का नाम शीशपाल था। दोनों ही वीर और साहसी थे। दोनों अपने घोड़ों पर सरपट भागे चले जा रहे थे क्योंकि वे दोनों शाम होने से पहले अपने नगर पहुंच जाना चाहते थे ताकि अंधेरा होने से पहले वो राजधानी में पहुंच जाएं। वैसे तो रोज ही राजा अलग अलग भेष बनाकर राज्य में घूमा करता था और पता लगाता था कि प्रजा दुखी है या सुखी है। वे लोगों से मिलकर उनका दर्द दुख दर्द पूछता था और फिर दूसरे ही दिन उनके कष्टों को दूर किया करता था। यही कारण था कि लोग राजा को बहुत प्यार करते थे। उनका यश और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में चोरी चकारी और डाकू लुटेरों का कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। जैसे ही उसे कोई कभी कोई खबर मिलती कि फलाने स्थान पर चोर लुटेरों ने गरीब और असहाय लोगों को हल्ला बोलकर लूट लिया है, तो वे खुद 5-7 सिपाहियों के साथ उस घटना स्थल पर पहुँच जाता था। उसे देखते ही लुटेरे और डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते थे और वे दुम दबाकर भाग जाते थे। ऐसी ही एक खबर राजा को आज सुबह मिली थी। जैसे ही दूत ने आकर उन्हें बताया कि भोले भाले गरीब किसानों के पशु और संपत्ति को लुटेरे लूट रहे हैं, तो हमेशा की तरह राजा चंद्र प्रताप अपने मंत्री शीशपाल और 10 सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गए और उनके दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने सैनिकों को उनकी देखभाल के लिए छोड़ दिया और मंत्री सहित वापस लौट रहे थे और मंत्री इस समय राजधानी से कोई 5-1 मील की दूरी पर रह गए थे। दोनों के घोड़े सरपट भाग रहे थे। इतने में घोड़ों ने ही नहीं आना शुरू कर दिया और दोनों घोड़े रुक गए। दोनों घोड़ों ने अपने आगे के पैर उठा लिए और फिर जमीन पर उन्हें जोर जोर से पटकने लगे। राजा और मंत्री को एकदम से कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जो इधर उधर देखा, उसी शाम उसी समय सामने के रास्ते पर उन्हें एक बड़ा सा नागफन फैलाए हुए दिखाई दिया। उसका दिव्य मणि मुंह से निकलकर बाहर पड़ा हुआ था। नाग को देखते ही चंद्र प्रताप ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे ये तो दिव्य मणि धारण करने वाले नाग लोक के नाग हैं। इस वीर नाग की ऐसी दुर्गति किसने की है? उसकी यह करुणाजनक मौत किस दुष्ट ने की होगी? इसे किसने मारा होगा? तो मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, अपने राज्य की धरती पर आज तक ये पाप हुआ है। हुआ नहीं था, लेकिन आज हुआ, ऐसा हुआ है, मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा। तो राजा ने कहा, हाँ शीशपाल, ये बात तो बहुत ही बुरी हुई, अब हम क्या करें? राजा भी चिंतित हो गया, और कोई उपाय नहीं है, हमें इसे जीवनदान देकर जो पुण्य प्राप्त कर लेना चाहिए। शीशपाल ने कहा कि महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है और इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने का मौका खोना नहीं चाहिए। राजा चंद्र प्रताप सिंह गंभीर हो चले और कुछ सोचते रहे। फिर बाद में बोले, मगर शिशुपाल, यह विषधारी नाग है, इसे तो लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं, फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी से जीवित करना अच्छा होगा? तब मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र काम में लिया था। देवपुत्र को पुनः जन्म देने से उन्हें काफी दुख भोगना पड़ा था। इसलिए महाराज, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, वही विश्वासघाती और बुरे होते हैं। यदि जो बुरा उस समय पर उसे जीवनदान दिया जाए, बुरा भी हो, लेकिन जीवनदान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, वो बड़े बड़ों का अनुभव है, यही बड़े बूढ़े आज तक कहते हुए आए हैं। मेरी समझ में तो यही आता है कि अगर इस समय आप संजीवनी मंत्र का प्रयोग करके इस नाग को जीवन दान देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपके मंत्र के प्रभाव से आपकी खुद की आत्मा कितनी खुश होगी, यह एक बार आजमाकर तो देखिए। मंत्री के इस आग्रह के नीचे राजा दब से गए। कुछ देर वे मन ही मन सोचते रहे और उन्होंने मंत्री की बात मान ली। तत्काल घोड़े से नीचे उतरे और नाग के पास जा पहुँचे। उसके साथ साथ मंत्री भी घोड़े से नीचे उतर आया और उनके पास जाकर खड़ा हो गया।
राजा संजीवनी मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगे, परंतु बार बार प्रयोग करने से भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं हो रही थी। खूब कोशिश करने पर भी वो नाग जीवित नहीं हो रहा था। राजा अब मन ही मन बड़ा चकित हुआ और उसके साथ ही उसे खुद पर भी क्रोध आने लगा कि मेरा यह मंत्र क्यों नहीं चल रहा? आज मेरा मंत्र कारगर क्यों नहीं हो रहा? आज ऐसी क्या खास बात है? राजा मन ही मन दुखी हो उठा। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। इससे ये प्रकट होता है, आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र सिखाया। ऐसे झूठे गुरु का क्या विश्वास? राजा ने कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु पर और इस महामंत्र पर कभी भी विश्वास मत करो, तुम्हें पाप लगेगा। राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा। तो फिर मंत्री ने कहा, फिर किस तरह का विश्वास करूं महाराज? आप खुद ही देख लीजिए, नाग अभी तक जीवित नहीं हो सका। राजा के जो हाथ जल गए। इतना सुनने पर उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर पूरा करना स्वीकार किया है, तो मैं इसे पूरा किए बिना चैन नहीं लूंगा, क्योंकि राजा को तो अंदर से बड़ी महसूस हो रही थी। राजा ने कहा, थोड़ा रुको, अगर सर्प पर संजीवनी का प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं दूसरा मंत्र शव प्रवेश काम में लेता हूँ। तुम देखोगे कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है, फिर तुम तो मान जाओगे कि मेरे गुरु में कितनी सच्चाई और बल है। राजा ने बड़े गर्व से कहा। तो मंत्री ने बात को पलटते हुए कहा, जाने दो भी महाराज, बेकार क्यों पीछे पड़े हुए हो? चलो छोड़ो इस काम को, रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही राजधानी पहुंचना है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, यह अब नहीं हो सकता। राजा की तो जो अब मान पर बात आ गई थी। राजा थोड़े जोश में बोले, तुम मेरी देह संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग के शव में डालता हूँ तो मैं यह नाग भी थोड़ी देर में जीवित दिखाई देगा। जैसे ही यह चलने फिरने लगेगा, वैसे ही मैं जल्दी से मेरी आत्मा दोबारा मेरे शव में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम के करते ही हम राजधानी चलेंगे, मंत्री ने कहा। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्र प्रताप ने पर सब प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव पड़ने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर शव बन गया और वो मरा हुआ जो नाग था, वो जीवित होकर हरकत करने लगा। थोड़ी देर में उसने जोर से अपना फन उठा लिया। उसी वक्त जैसे ही राजा की आत्मा नाग में प्रवेश हुई, वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के शव में डाल दी और अपने शव के तलवार से कितने ही टुकड़े कर डाले। नतीजा ये हुआ, राजा की आत्मा अब शव जो नाग था उसके शव में थी और मंत्री की आत्मा राजा के शव में थी। राजदेहधारी मंत्री जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, राजा आज तक मैं ऐसे ही मौके का रास्ता देख रहा था, आज कितने साल बाद मेरी यह इच्छा पूरी हुई, नाग लोक में हुआ के सुख भोग, चल निकल यहाँ से। बात सुनते ही सर्प देहधारी राजा ने जोर से गुस्से में फोंकार मारी, दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया, लेकिन देखना मैं इस विश्वासघात का बदला अपने विषधारी दांतों से लेकर रहूंगा। नीच, तू देखना कि मैं दंड देकर मेरा शव वापस ले लूंगा, मैं देखता हूँ कि तू किधर बच कर जाता है। मंत्री क्रोध में भरकर चिल्लाया, देख, एक इंच भी आगे बढ़ने की या फन उठाने की कोशिश मत करना, वरना इस तलवार से तेरी गर्दन भी उड़ा दूंगा। मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूँ, इसे अपना भाग्य समझ और यहाँ से चला जा। सर्प देहधारी राजा गुस्से में अपने फन को जोर जोर से जमीन पर मारने लगा। मंत्री जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है, ये तेरी भूल थी, मुझे भी वो विद्या कम नहीं आती। जिस समय तू सर्प का यह मंत्र फूंक रहा था, उस समय मैं उसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था, यही कारण था कि तेरा मंत्र नहीं चल सका, हालांकि तूने कोशिश की। मंत्री फिर खिलखिला कर हंस पड़ा। सर्प देहधारी राजा रह रहकर फन पटकने लगा और गुस्से में जोर से चीखा, नीच विश्वासघाती,
मैं तुझे ऐसे नहीं ऐसा नहीं समझता था, मैं तुझे बड़ा अपना हमदर्द समझता था, मंत्री ने राजा की देह में से खिलखिलाते हुए बोला। और तू ये भी समझ बैठा राजा की वस्तु अकेले हो और अकेले ही, पर सब परवेश का मंत्र जानते हो, ये भी तेरी भयंकर भूल थी। जिस समय तेरे गुरु अलका आनंद तुझे मंत्र सिखाते थे, उस समय मेरे पिता मुझे उस गुप्त जगह ले जाया करते थे, इसलिए वह मंत्र जिस तरह मेरे पिता को मालूम था, उसी तरह मुझे भी मालूम हो गया। मुझे भी वे दोनों ही विद्या उतनी ही आती हैं जितने की तुम्हें और शायद तुझसे ज्यादा मुझे आती है, क्योंकि मंत्री पर राजा की अपेक्षा सरस्वती की कृपा अधिक रहती है। जा अब अपने रास्ते लग, नाग कहीं का। नागराज ने भी भीतर ही भीतर तड़पते हुए थोड़ी देर सोचा कि बेकार में इस दुष्ट की तलवार से बुरी मौत मरने की, मरने से अच्छा है कि अपने इसी हाल में जीवित रहना चाहिए। इसलिए ये सोचकर राजा गुस्से में फन पटकता हुआ वापस घास में घुसता हुआ चला गया। रास्ते भर उसकी आत्मा मंत्री को कोस रही थी, कपटी नीच, इस दुष्ट कर्म का फल तुझे एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। यह आवाज उस जंगल में काफी देर तक गूंजती रही, फिर वह धीरे धीरे शांत हो गई। राजा के देह धारण किए हुए मंत्री शीशपाल घोड़े पर बैठकर राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। वो मन ही मन बड़ा खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वो सोच रहा था उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को अपने रास्ते से सदा के लिए हटा दिया है, अब कोई भय नहीं है, अब कोई बाधा उसके रास्ते में नहीं आएगी और वो अपना शेष जीवन अब राजा बनकर सुख और ऐश्वर्य से गुजारेगा। इतना बड़ा विराट नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा, एक एक बच्चा अब उसके इशारे पर नाचेगा, चारों ओर अब उसकी तूती बोलेगी। इतनी मीठी कल्पनाओं में सोच सोच कर उसे बड़ा सुख मिल रहा था, मानो सारी पृथ्वी की खुशियां उसे मिल गई हों। घोड़ा तेज दौड़े जा रहा था। राजा के रूप में मंत्री ने एक हाथ से दूसरे घोड़े को भी लगाम जो पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधकार फैल गया था, नीले नीले आकाश में तारे चमक रहे थे। मंत्री घोड़े पर तेजी के साथ राजधानी की तरफ बढ़ता जा रहा था। चारों ओर जंगल में साय साय की आवाज से उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मंद मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर गया। तोप की सलामी दी गई। उसने फौरन हाथ ऊंचा करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है, मैं और मेरा मंत्री शीशपाल लुटेरों को खदेड़ कर वापस राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में जो खंडाला में के घने जंगल में पहुंचते ही एक खूंखार बड़े शेर ने अचानक छलांग लगाकर मंत्री को चीर दिया। भाग्य से मैं उसके पंजों से किसी तरह निकलकर बचाया। मैं बहुत घबरा उठा हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक आए संकट से और मंत्री जी की इस तरह की मौत से मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है। आज से 10 दिन तक सारे राज्य में शोक मनाया जाएगा। फौरन जो राज्य राज्य के झंडे थे उनको झुका दो और खजाने में से सोने की मोहरें मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दे दो। मंत्री ने बिल्कुल राजा चंद्रसेन की आवाज में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट किया। शरीर पर राजा के वस्त्र थे, किसको फिर कोई शक हो सकता था। उस दुष्ट मंत्री ने बाद में भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस अचानक मृत्यु का शोक समाचार चारों ओर फैल गया। महल पर लगा हुआ झंडा झुका दिया गया। राजदूत दास दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूब गए। जैसे ही शिशुपाल ने राजमहल में कदम रखा वैसे ही रानी जो स्वर्ण थाल लेकर आरती उतारने के लिए सामने आई, परंतु राजा ने उसे रुकने का इशारा किया। रानी भारी कंठ से बोली, महाराज ज्यादा दुखी मत होइए। मंत्री जी ने राजा की आवाज में दुख प्रकट करते हुए कहा, रानी वह मेरा प्यारा मंत्री था, ऐसी बेमौत मारा जाता गया है कि मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ और तुम कहती हो कि मैं दुखी न हूँ। रानी ने राजा को बहुत समझाया, शांत हो जाइए महाराज, दुख आज किसको नहीं है, भगवान ने आपके प्राण बचाए,
मेरा सुहाग बना रहा। भगवान की बड़ी कृपा हुई है, मुझे आरती उतारने दो। नहीं मंत्री, जो राजा बना हुआ था बोला, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला गया। उसे रानी की विनती सुनी अनसुनी कर दी। रानी हार कर चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई। राजा के शोक से उसका दिल भी भर उठा था। आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई, रानी यहाँ से उठकर जल्दी कहीं दूर चली जा, ये तेरा सुहाग नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा देवधारी यह शैतान मंत्री है, राजा चंद्र प्रताप नहीं। इस दुष्ट कपटी ने तेरे सुहाग को धोखा देकर यह राजा की देह धारण की है। ये जो कुछ होकर रहा है ये सब नाटक है। तेरा पति राजा अदृश्य रूप में है और बहुत ही दुख से तुझे ये संदेश दे रहा है। इस समय सर्प की देह को धारण किए हुए है। धीरे धीरे तुझे सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तो उठ और फौरन यहाँ से कहीं दूर निकल जा। इस नीच ने तेरे राजा के साथ बड़ा धोखा किया है और आगे की चिंता छोड़, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तपस्या कर और भगवान का नाम ले। रानी की नींद एकदम से खुल गई और वो हड़बड़ाकर उठी। उसका सारा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने इधर उधर नजरें दोहराई पर कहीं भी कोई नजर नहीं आया। कमरे में शांति थी, दीपक जल रहा था, कहीं कोई भी परिवर्तन नहीं था। उसकी सांसें तेजी से जो चल रही थी उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। थोड़ी देर याद कर वह तेजी के साथ उठी और पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपने एक विश्वासपात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद वह चुपके से अपने जरूरी वस्त्राभूषण आदि लेकर आधी रात में ही राजमहल के पिछवाड़े के रास्ते से निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छा रहा था। सारा राजमहल नींद में सोया पड़ा था। कहीं दूर किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका। आवाज सुनकर रानी और दासी छिप गई। बाद में वे एक गुप्त रास्ते से जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी जल्दी दूर जंगल में पहुंच गई। चलते चलते उन्हें सुबह हो गई। मुर्गे ने बांग दी। वे दोनों एक नदी पर जाकर रुक गए। वहां उन्होंने मुंह हाथ धोया और कुछ फलाहार किया। अब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई। बाद में उन्होंने अपना भेष बदल लिया और झाड़ झाड़ झंकार और गड्ढों में गिरती पड़ती आगे बढ़ने लगी। जंगल में अगर कहीं से भी थोड़ी सी आवाज आती तो वे किसी बड़े पत्थर या किसी बड़े पेड़ की छाया में छिप जाती। पेड़ के पीछे जब उन्हें लगता कि संकट चला गया है तो वे फिर आगे बढ़ने लगती। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई। अब पहाड़ी के दूसरी तरफ उस भयानक जंगल को छोड़कर एक गांव के कुछ पास आ पहुंची थी। वहां एक खंडर बना मंदिर दिखाई दिया। चलते चलते वे काफी थक चुकी थी। उन्होंने वहीं विश्राम करने की सोची और थोड़ी ही देर बाद वे गहरी निद्रा में मग्न हो गई। उधर सुबह होते ही सारे राजमहल में खलबली मच गई। सारी दीवारें चीख चीख कर कह रही थी, रानी गायब हो गई है। सब दास दासियां इधर उधर उदास चेहरे लिए भागदौड़ कर रहे थे। धीरे धीरे यह बात मंत्री के कानों तक भी पहुंची। ये सुनते ही वह हक्का बक्का रह गया। क्या कहते हो? दास जब उसके पास आकर कहने लगा कि रानी जी गायब हो गई हैं, तो मंत्री बना राजा जोर से चीखा। ये तब दास दासी ने बताया कि यह सच है महाराज। तो एक दासी ने थर थर कांपते हुए कहा, नहीं, वो जो मंत्री था पागलों की तरह चिल्लाकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में दूसरे दास ने डरते हुए हाथ बांध कर कहा, बड़ी अनहोनी हो गई महाराज। रानी के साथ दासी भी, जो उनकी मोहबोली दासी थी, वो भी चली गई है, उसका भी कहीं पता नहीं है। तो जो राजा बना मंत्री था उसने कहा, तो मेरा मुंह क्या देखते हो, जाओ सारे राज्य का चप्पा चप्पा छान डालो।
आज की आज रानी को ढूंढ कर लाओ। अगर तुमने उसका पता नहीं लगाया तो तुम्हें सख्त से सख्त दंड मिलेगा। जब सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए, जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा हम उसे मोमांगा इनाम देंगे। मंत्री ने जोर से अपनी आवाज को बुलंद किया। चारों ओर दूत फैल गए। उन्होंने सब जगह अपने जाल बिछा दिए। सारे मंदिर, बगीचे, तालाब, कुएं सब छान डाले, परंतु रानी और उसकी दासी का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राजमहल में चिंता से परेशान बैठा शीशपाल मंत्री मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे हुआ? रानी को कहीं मेरे गुप्त रहस्य का पता तो नहीं चल गया? पर नहीं, सोचने लगा, उसे कैसे पता चल सकता है? उसे कौन कहने बैठेगा? फिर रानी आखिर चुपचाप उठकर कैसे कहाँ चली गई? कितने डरावने विचारों ने उसे जकड़ लिया था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ये सब एक ही रात में कैसे क्या हो गया? उसे तो यूं लगा था मानो उसकी सोची हुई सारी योजना सफल हो गई थी, लेकिन यहाँ तो एक ही रात में सारी सोची योजना विफल हो गई। श्री गणेश ही अशुभ हुआ है। रानी की तलाश कितने ही दिनों तक चलती रही, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। मंत्री शीशपाल की चिंता अभी ऐसी की ऐसी ही बनी रही और दिन पर दिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। रानी और उसकी दासी गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही उनकी दफ्तर में आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वे दोनों ही नरभक्षी आदमियों के घेरे में घिरी हुई हैं। वे बिल्कुल असमंजस में पड़ गए। पहले तो उन्होंने उनके चेहरे देखे और एक के बाद एक चीख मारकर बेहोश हो गई। नरभक्षी चारों ओर घेरा बनाकर खूब नाच गा रहे थे। उन्हें आज इस बात की खुशी थी कि उन्हें इंसानों का ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा, इसलिए उनकी खुशी का कोई कारोबार नहीं था। वे चाहते थे पहले उन्हें तंदुरुस्त और तगड़ा किया जाए और फिर उनका मांस खाया जाए। सरदार ने तुरंत दो आदमियों को आदेश दिया कि इन्हें अपने अड्डे पर लेकर चलो। सारे सेवक तालियां बजाने लगे, झूम झूम कर नाचने लगे। रानी और उसकी दासी दोनों मूर्छित थीं। उन्हें गुप्त जगह पर ले जाया गया। सभी आदमी अपनी अपनी जगह मस्त हो रहे थे। किसी को भी अपनी सुध नहीं थी। सबने मदिरा पी रखी थी। गिरोह के हर आदमी को ताज़ा मांस मिलने की खुशी थी। बहुत दिनों बाद उन्हें ये खुराक मिलनी थी। नरभक्षियों का ये नियम था कि पहले अपने पंजों में फंसे वे शिकार को खूब पिला खिला पिलाकर तगड़ा किया जाए और उसके बाद उसे देवी के सामने बलि चढ़ा दिया जाए और उसके बाद देवी के सामने थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर बलि का शेष जो बचा हुआ शरीर होता है उसको गिरोह के आदमियों में बांट दिया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरदार सब कुछ करता था। बलि होने वाले नर अथवा मादा को अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाता था। उसकी खूब निगरानी रखी जाती थी और कड़े पहरे में रखा जाता था। रानी अब बहुत परेशान और दुखी थी। उसने सरदार के दो चार नौकरों की जब ये बात सुनी कि उन दोनों को देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे, तब से रानी को रह रहकर केवल यही विचार आ रहा था। अब सारे जीवन की लीला समाप्त होने जा रही है। पता नहीं मैं कहाँ हूँ और राजा कहाँ है। राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाही, परंतु यहाँ आकर मैं नरभक्षियों के बीच में घिर गई। वाह रे भाग्य, कुएं से निकली और खाई में गिर गई। हे भगवान, पता नहीं अब मेरा मेरे पति से कब मिलन होगा। पता नहीं वो किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। नागदेव इधर, राजा उधर। राजा चंद्र प्रताप जमीन पर फन पटकता हुआ। रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच जाकर छुप कर बैठ गया। वो मन ही मन बड़ा दुखी था। आज कोसों दूर चलने से वो बहुत थक गया था। वो मन ही मन कपटी मंत्री पर बहुत गुस्सा कर रहा था, परंतु विवश था। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। पत्तों के नीचे बैठकर उसने कई बार सोचा कि वो वहाँ जाकर उस दुष्ट को काट ले, परंतु तभी उसे ख्याल आया कि इस प्रकार जो मंत्री की आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी, मगर फिर उसकी जो देह है वो विषधारी हो जाएगी और उसकी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी।
परिणाम ये होगा कि ना तो वो सर्प की देह में रह सकेगा और न ही उस नीच के खोल में ही। फिर उसे यह विचार आया, इस तरह रात को चुपचाप किसी को भी दंश करना नागलोक के किसी प्राणी को शोभा नहीं देता। फिर क्या करना चाहिए? वो काफी देर इसी पर सोचता रहा और अपने आप से ही प्रश्न करता रहा। अंत में उसने निर्णय लिया कि जो कुछ होगा हुआ है, उसके भागने में ही या उसको भोगने में ही भलाई है। परंतु मेरी रानी, उसका क्या होगा? रानी की याद आते ही राजा चंद्र प्रताप की आत्मा तड़प उठी। उससे रहा नहीं गया। उसने तत्काल अपना सर्प शरीर वहीं छोड़ दिया और आधी रात को अदृश्य रूप में जाकर रानी को जो सब कुछ बताते हुए सावधान कर दिया था, ताकि वह तत्काल राजमहल छोड़कर उसी हालत में निकल जाए और अपने सुहाग की रक्षा करे। ऐसा करने के बाद उसने वापस आकर अपना शरीर नाग शरीर में डाल दिया और नाग देह को धारण कर लिया था। अब घास और पत्तों में दुबक कर बैठ गया। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, परंतु रात में क्या कुछ हो सकता था। थोड़ी देर बाद वह फटी और घास फूस और पत्तों की ढेरी के बीच से अपना सिर धीरे से उसने ऊपर निकाला और इधर उधर देखा। चारों तरफ धुंधलका था, उसे कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर चल फिर उसने अपनी खुराक ढूंढने के लिए, अब उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसने वापस अपना सिर उस कूड़े के करकट में छिपा लिया और वैसे ही चुपचाप पड़ा रहा। उसका समय एक एक पल पहाड़ की भांति गुजर रहा था। काफी देर इंतजार के बाद आखिर दिन निकला। उसने घने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों की तरह तरह की आवाजें सोनी। राजा चंद्र प्रताप हर पक्षी की भाषा खूब अच्छी तरह से समझता था, इसलिए उन आवाजों को सुनकर राजा को मन ही मन बड़ी खुशी हुई। वो कान लगाकर उन पक्षियों को जो चहक रहे थे उनको सुन रहा था। आवाजों के बीच एकाएक उसे कुछ तोतों की आवाज सुनाई पड़ी। एक तोता कह रहा था, अरे भाई, चंद्रपुर के उस दयालु राजा शीलभद्र का क्या कहना, कितना पुण्यवान राजा है। तुझे क्या बताऊं? कल उसके राज्य में कितना धूमधाम का त्योहार मनाया गया, सबको दान दिया गया, महायज्ञ भी संपूर्ण हो गया। हजारों पक्षी इकट्ठा हुए थे, प्रत्येक पक्षी को उसकी इच्छानुसार दाना पानी मिला। कल ही तो हम वहाँ से खा पी कर लौटे। अच्छा, दूसरे तोते ने आश्चर्य में भर कर कहा। हाँ यार, लेकिन दो तोते बड़े कपटी निकले, वे अपने सब साथियों को छोड़कर आगे चले गए। हमने अभी निश्चय कर लिया है कि उन्हें अवश्य सजा मिलनी चाहिए। हमने उसका पीछा किया, एक ने तो माफी मांग ली, परंतु दूसरा थोड़ा आकड़ू था, उसने माफी का एक शब्द भी नहीं बोला। हम सब उस पर पिल पड़े और उसकी खूब जो दुर्गति बनाई, वो घायल होकर नीचे पड़ा है। अरे अरे, एक तोते ने करुणा से भर कर कहा, ये तुमने क्या किया? तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस तोते का क्या हाल है? इस समय वह कहाँ है? दूसरे तोते ने कहा, खुद ही अपनी आँखों से देख लो, वैद्य को सामने की डाल पर कैसी घायल अवस्था में पड़ा है। तोते ने दूसरे तोते के सामने की डाल की ओर इशारा करते हुए कहा। दूसरे तोते ने नजर घुमाकर ढाल की तरफ देखा तो घायल तोता बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। ऐसे लगता था मानो उसका सारा शरीर ढाल से छूटकर जमीन पर गिर पड़ेगा। उसके पंख जगह जगह से टूटे हुए थे और बचे कचे परों पर लाल लाल धब्बे नजर आ रहे थे। अरे, ये तो वाकई बहुत जख्मी हो गया है, मानव अपना दम तोड़ना चाहता है, सुनने वाले तोते ने दुख प्रकट करते हुए कहा। तो पहला तोता हंसते हुए बोला, तो डर किस बात का है? नीचे शिकारी का जाल बिछा हुआ है, वह देखो, वह जाल अभी इसे अपनी गोद में समेट लेगा, इसे कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा, शिकारी खुद ताक में बैठा है। शिकारी की बात सुनते ही सारे तोते सहम उठे, मानो उन्होंने साक्षात मौत के दर्शन कर ली हो। सबने अपने मुंह अपने पैरों में छिपा लिए। सर्प देहधारी राजा उनकी यह सारी बातें सुन चुका था। उसने धीरे से फन उठाकर ढाल की तरफ देखा। तेजी के साथ एक विचार उसके मन में आया।
कितना अच्छा, उसे जो भक्ष्य मिला है, मजा आ गया। परंतु दूसरे ही क्षण उसे दूसरा विचार आया कि तोते को अपना आहार बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि इस तोते के शरीर में इस नाग शव से निकलकर अपनी आत्मा डाल दूं। और उसने वैसा ही किया। उसने अपनी आत्मा नाग को छोड़कर मरते हुए तोते के शव में डाल दी। नाग वहीं मर गया और दम तोड़ता हुआ तोता फिर से जीवित हो गया। देखते ही देखते वह डाल पर से गिरा और शिकारी के जाल में फंस गया और जोर से फड़फड़ाने लगा और जीवित हो गया। अब वह जाल से निकलने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसके पंजे में जो जाल में फंस चुके थे। जाल जोर जोर से हिल रहा था। उस बड़े और सुंदर तोते को जाल में फंसा देखकर शिकारी के मुंह में पानी भर आया। वह काफी खुश हुआ। वह मन ही मन बोला, वाह, आज तो अच्छा शिकार मिला है। घरवाली भी देखते ही खुश हो जाएगी। उसने झट से जाल को समेटा। इतने में उसकी नजर उस भयंकर मरे हुए सर्प की तरफ गई। शिकारी बुरी तरह घबरा गया। उसने जाल जल्दी से कंधे पर डाला और वहां से जान बचाकर भागा। बहुत दूर जाकर वह रुका और पीछे मुड़कर देखा। मरे हुए सांप में से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी उसका पीछा कर रहा हो। वह बुरी तरह हौंफने लगा। घर पहुंचकर उसने जाल एक और पटक दिया। उसमें फड़फड़ाते हुए तोते को देखकर शिकारी की पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने जल्दी से उसे जाल से निकालकर एक पिंजरे में डाल दिया। शिकारी ने अपना किस्सा अपनी स्त्री को सुनाते हुए कहा, मैंने रात में ही जाल बिछा दिया था। सुबह के धुंधलेपन में थोड़ी दूरी पर मुझे एक भयंकर सर्प पर मेरी नजर पड़ी। भगवान ने ही बचाया। सांप मरा हुआ था, वरना आज मैं जिंदा घर नहीं लौटता। अच्छा, उसकी स्त्री भोली स्त्री का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे रह गया कि हे भगवान, ये तो भगवान की कृपा थी जो आप ठीक ठाक आ गए। शिकारी बोला, अरे मैंने तो फिर आव देखा ना ताव, जल्दी जल्दी जाल जो खोला और तोते सहित जैसे तैसे जाल को अपने कंधे पर डालकर वहां से भाग छूटा। अभी भी वो बात याद आती है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। शिकारी की पत्नी ने कहा, रोंगटे खड़े होने की तो बात है, मेरा तो सांप को देखते ही दम निकल जाता है। कुछ देर वह रुकी और फिर कहने लगी, तोता काफी बड़ा और लंबा है, आज तो मजा आ जाएगा। घंटे भर बाद शिकारी पत्थर पर छुरी को घिसकर तेज तेज करने लगा। उसके बाद उसने तोते को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डाला। उसी समय तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर दवाई लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी तो ये सुनकर बड़ा हैरान था। आज तक के जीवन में उसने कभी किसी तोते को इतनी बातें बोलते नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। आंखें फाड़े शिकारी उस तोते को देख रहा था। बाद में उसने झट से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और तोते की कही हुई बात उसने अपनी पत्नी को सुनाई। शिकारी की बात सुनते ही जो शिकारी की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो कहने लगी, आप क्या कह रहे हो, सच में तोते ने ऐसा बोला है कि वह हमें माला माल कर देगा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। शिकारी ने हामी भरी और कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। उसकी स्त्री तो खुशी से नाचने लगी। शिकारी बोला, ये कोई पूर्वजन्म का पहुंचा हुआ ज्ञानी है या पंडित है, पता नहीं किसके श्राप से यह पक्षी रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ जरूर कोई ना कोई रहस्य तो है और हमें उसे मारना नहीं चाहिए। शिकारी ने अपना फैसला सुना दिया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि जाओ तुम उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो, वह जख्मी है। शिकारी तोते की दवा के लेप के लिए बाहर चला गया। चला गया। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा और रोज, और तोते के जख्मों पर शिकारी दवा का लेप करता। इस तरह तोता आठवें दिन धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। शिकारी की पत्नी उसे बड़े प्यार से रखती। उसे रोज समय से दाना पानी डालती और प्यार से बोलती। एक दिन शिकारी ने उसका रहस्य जानना चाहा, इसलिए उसने पूछा, भाई तुम बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हो, फिर भी पक्षी रूप में हो।
तोते की देह में आखिर तुम कौन हो? शिकारी की पत्नी भी उस समय वहीं पर बैठी हुई थी तो तोते का जवाब सुनने के लिए उसे भी उत्सुकता हो रही थी। शिकारी भी सांस रोककर तोते के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। तोते ने एक ठंडी सी सांस भरी और बोला, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है। तुम सुनकर क्या करोगे? भाई, तुमने मेरे घावों को अच्छा किया है। तुम्हारा यह एहसान और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। फिर भी कुछ तो बताओ, आखिर तुम कौन हो और हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। शिकारी ने फिर से कहा तो वह कहने लगा, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही भोगने पड़ेंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा है उस वक्त तक कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। ले दे, लेकिन एक दिन इन दुखों का अंत जरूर होगा। कैसे दुख? शिकारी ने बड़े अधीर होकर पूछा, किन दुखों की बात कर रहे हो? आप हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिकारी की उत्सुकता देखते हुए तोते की देह से राजा चंद्र प्रताप ने अपना सारा किस्सा सुनाया। शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों ने हाथ जोड़े और बोले, महाराज, यह एक गरीब की कुटिया है। हमें दुख है कि आपको ये दिन भी देखने पड़े। हमें बताइए, आपके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? तोते की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोला, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे इसी पिंजरे में डालकर चंद्रपुर के महाराज के पास ले चलो तो विश्वास करो, मैं वापस राजा होते ही तुम्हें जागीर बकसुआ और अपने ही राज्य में आराम के साथ रखूंगा। ठीक है महाराज, शिकारी ने कहा, मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चंद्रपुर के लिए चल देंगे। कल शाम होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे। और कुछ महाराज? बस, तोते ने खुश होते हुए कहा। चलते चलते शिकारी आखिर शाम को चंद्रपुर पहुँच गया। उसके हाथ में पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास पहुँचकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो एक निराला तोता, इसके मुंह से लड़ाई झगड़ों का न्याय सुनो, बड़ा पुराना पंडित ज्ञानी, कीमत केवल 10 रुपए। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ऐसा कैसा होता है भाई जो लड़ाई झगड़ों के फैसले कर दे। सब आश्चर्य से पिंजरे में बंद तोते को देखने लगे। धीरे धीरे बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा शीलभद्र ने तुरंत अपने सिपाही दौड़ाए, शिकारी को अपने महल में बुलाया। यह शिकारी पिंजरे को नीचे रखकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगे, राजा, सुना है शिकारी, तुम्हारा तोता लड़ाई झगड़ों का फैसला करता है। शिकारी ने कहा, जी महाराज, ये बात सच है। सांझ को आंच क्या? आप खुद आजमा कर देख लीजिए। अच्छा जी महाराज, शिकारी ने कहा और महाराज ने कह सुनाया कि वह बड़ा पंडित और ज्ञानी है। शिकारी ने कहा, ये भी सच है महाराज। तो महाराज कहने लगे, कितनी कीमत चाहते हो? तो शिकारी कहने लगा, गरीब हूँ, माई बाप जो भी देंगे सिर माथे पर स्वीकार करूँगा। ठीक है, राजा ने कहा, हम तुम्हें सोने की 10 मुद्राएं देते हैं। शिकारी हक्का बक्का रह गया। सोने की 10 मुद्राएं एक साथ कितने ही मीठे सपने उसकी आँखों में तैरने लगे। लेकिन देखो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। शिकारी ने कहा, मुझे मंजूर है, हमारा आज तो ठीक है, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करा देते हैं। तुम 2-3 दिन तक हमारा राज्य छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। 3रे दिन के बाद हम तुम्हें जाने की इजाज़त दे देंगे। शिकारी ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज आपकी। राजा ने अपने एक दूत से शिकारी को अपने साथ ले चलने को कहा। दूत उसे लेकर एक तरफ चल दिया। तोते को एक नए सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और पुराना पिंजरा फेंक दिया गया। सोने के पिंजरे को एक रत्नजड़ित खम्बे पर लटका दिया गया। राजा शीलभद्र के राज्य के पूर्वी भाग में लोगों को कुछ दिनों से विद्रोह चल रहा था। उन्हें उस विद्रोह के शांत होने की अचानक सूचना मिली। राजा चकराया कि आखिर क्या बात है जो चारों ओर खुशी के समाचार मिल रहे हैं।
उन्होंने इस खुशखबरी का श्रेय तोते को दिया। उन्हें विश्वास हो चला कि जब से राजमहल में ये तोता आया है, खुशियां साथ लेकर आया है। तीसरे दिन दरबार में एक विचित्र झगड़ा पेश हुआ। चार रुई के व्यापारी थे। उनका एक बड़ा भारी रुई की गांठों का गोदाम था। चारों का व्यापार में बराबर का साझेदारी थी। चारों ने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली रात दिन उस गोदाम में रहती और रुई की गांठों की चूहों से निगरानी करती। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली का एक एक पैर छांट लिया था और उनमें से हर एक अपने को उस पैर का मालिक समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर महाराज को आगे का किस्सा सुनाया। महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई। उस पैर के मालिक जो व्यापारी मालिक है, यानी कि जो मैं था, मैंने उस पर तेल लगाकर मरहम पट्टी कर दी और बिल्ली लंगड़ा आती हुई चल दी। ठंड के दिन थे। आग तापने के लिए हम चारों जो साझेदारी वाले मित्रों ने मिट्टी की एक अंगीठी में हाथ तापने के लिए कोयले भर रखे थे, कोयले आदि जल चुके थे। बिल्ली हम चारों के पास बैठी हुई दुम हिला रही थी। हम अपनी बातों में खोए हुए थे। पता नहीं कब और कैसे बिल्ली का वो पैर जिसमें पट्टी बंधी हुई थी आग की चपेट में आ गया। शायद अपने बदन को पंजे से खुजलाते समय उसका जख्मी पैर पूरी तरह से साधना की ओर उसका पैर जलने लगा। दर्द और दुख से वह छटपटाती हुई गोदाम में इधर उधर भागने लगी। जिधर वह जाती उधर कुछ जलती हुई पट्टी से कई कई रुई की गांठों में आग पकड़ती चली गई। इस तरह चारों ओर आग झुलस उठी और सारा का सारा गोदाम जलकर राख हो गया। हम सबको बहुत भारी नुकसान हुआ है महाराज। घाटा होने के कारण तीनों व्यापारी अब मुझ पर पूरे नुकसान का भार डाल रहे हैं। इन तीनों का ये कहना है कि मैं ही बिल्ली के उस पैर का मालिक था। तीनों व्यापारी एक साथ उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारी मांग उचित है। महाराज यही उस पैर का मालिक था। इसी ने उस पैर पर पट्टी बांधी थी। उसी पैर के कारण गोदाम में आग लगी, वरना हजारों रुपयों का माल से भरा हुआ गोदाम जलकर खाक क्यों हो जाता? इसमें हमारा क्या दोष है? चौथे व्यापारी ने भी जो विनती करते हुए कहा, आप खुद फैसला करिए महाराज कि इन तीनों का मेरे ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। बिल्ली हम चारों की थी। हम चारों उसे समान रूप से प्यार करते थे। हम वो हमारे चारों चारों की मिली जुली संपत्ति की निगरानी रखती थी। सीधी सीधी बात है महाराज, हमने आज तक होने वाला लाभ बराबर बांटा है। उसी प्रकार इस घाटे का भी चारों में बराबर बंटवारा क्यों न किया जाए? सारे दरबार में सन्नाटा सा छाया हुआ था। हर व्यापारी की दलील तर्कपूर्ण और न्यायसंगत थी। चारों व्यापारी अपनी अपनी जगह, अपने अपने पक्ष को मजबूत कर रहे थे। अब उनके झगड़ों का क्या फैसला हो? तीन व्यापारी बोले, अब आप ही फैसला करिए महाराज। चौथे व्यापारी ने भी वही बात कही, फैसला आपको करना होगा महाराज और आपका फैसला ही मान्य होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सदा की भांति आज भी सच्चा न्याय करेंगे। सारा दरबार टकटकी बांधे राजा को देख रहा था। राजा को अचानक कुछ सूझा। उसने पीछे उनका एक सेवक जो खड़ा था, उसके जो तोते का पिंजरा, आने के लिए बोला। राजा ने सोचा, यह उपयुक्त समय है। अब मुझे इस तोते की न्याय बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। देखें इस पेचीदा मामले में ये कैसा फैसला सुनाता है। उन्होंने तुरंत दरबारी को संबोधित करते हुए कहा कि सब शांत हो जाओ। आज मेरी जगह मेरा ये प्यारा तोता जो सुखदेव इस झगड़े का न्याय करेगा। चारों व्यापारियों को और सारे दरबार को यह न्याय मानना पड़ेगा। इस प्रकार से उसे मेरा ही न्याय समझा जाएगा। ये कहकर राजा शीलभद्र तोते की तरफ देखने लगे। नौकर पिंजरे को उठाए आगे आकर खड़ा हो गया। उसने पिंजरे को ऊपर उठा दिया ताकि सारे दरबार को तोता दिखाई दे सके। प्रत्येक आदमी सांस रोके फैसला सुनने के लिए अधीर हो उठा। तोते ने कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के नजदीक थी तब तक जलती हुई पत्ती से रुई की गांठों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। परंतु उसकी वह जलती हुई पत्ती उस समय नुकसान कारक हुई जब बिल्ली को कोई गांठों की तरफ ले गया।
ये कहकर तोता कुछ रुका और फिर बोला, अब सोचना ये है कि आखिर बिल्ली को रुई की गांठों की तरफ कौन लेकर गया। साफ जाहिर है कि चोट लगे हुए और जलते हुए पैर से तो वे बिल्ली थोड़ी दूर भी चल फिर नहीं सकती थी। फिर उस जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों तक कौन लेकर गया? आप इस बात को जरा ध्यान पूर्वक सोचें। ये कहकर तोता रुक गया। सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और धीरे धीरे खुसर फुसर होने लगी। तोता थोड़ा मौन रहने के पश्चात बोला, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस बात को ध्यान पूर्वक सोचा होगा कि जलती हुई पत्ती को रुई की गांठों की तरफ कौन लेकर गया। आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि बिल्ली के तीन स्वस्थ पैर ही उसे पूरे गोदाम के यहाँ से हुआ और वहाँ से यहाँ ले गए होंगे। तो स्पष्ट है कि सारे गोदाम के जलने के कारण बिल्ली का वह जख्मी और जलता हुआ पैर नहीं है, बल्कि वे तीन सही सलामत पैर हैं। इसलिए चौथा व्यापारी समूचे नुकसान को अकेला भरने का हकदार नहीं है। फैसला सुनकर सारी सभा दंग रह गई। हर एक के मुख से निकल रहा था वह, कितना अच्छा फैसला किया है, कितना सच्चा न्याय हुआ है। राजा शीलभद्र भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सभा बर्खास्त हो गई। लोग उठकर वहाँ से चल दिए। दोपहर का समय था। तोता सोने के पिंजरे में उसी रत्नजड़ित खम्बे पर लटका हुआ था। राजा और मंत्री आपस में बैठे हुए तोते की प्रशंसा कर रहे थे कि एकाएक राजा ने तोते से कहा, हे सुखदेव, तू मेरे लिए बड़ा भाग्यवान है। जब से तू मेरे यहाँ आया है, मेरे राज्य में सुख शांति का राज्य स्थापित हो गया है। ऐसा तू पूर्वजन्म में कौन है? तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं जानने के लिए बड़ा अधीर हो रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ बता। तोते की आंखों से दो बूंद आंसू के गिर गए। उसने राजा को अपनी सारी हकीकत कह सुनाई। उसकी कहानी सुनते ही राजा शीलभद्र मन ही मन दुख से छटपटाने लगे। उन्होंने कहा, वाह रे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पिंजरे में बंद है। ये सब भाग्य का खेल है महाराज। तोते ने एक लंबी सांस छोड़ी। राजा ने कहा, हमें बड़ा दुख है कि राजा चंद्र प्रताप, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। राजा ने दुख प्रकट करते हुए कहा, आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे केवल अपनी रानी चाहिए। अगर आप मुझे उससे मिलवा दें, तो मैं समझूंगा कि मैं पृथ्वी का समस्त सुख मैंने पा लिया। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने दूतों को रवाना करता हूँ। राजा ने चंद्र प्रताप को तसल्ली बंधाई। तोता बड़ा खुश हुआ। वो मन ही मन अपनी रानी से मिलने की खुशी में तरह तरह के सपने देखने लगा। कितने दिनों से उसने रानी की सूरत नहीं देखी थी। पता नहीं वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी। ये ख्याल आते ही उसके मन में दुष्ट मंत्री शीशपाल के लिए क्रोध की ज्वाला भभकने लगी। उसने तय कर लिया कि वो उस नीच से जरूर बदला लेकर रहेगा। उसी कपटी ने मुझे और रानी को नदी के दो किनारों की तरह अलग अलग कर दिया है। उसी शाम को राजा के दूत रानी की खोज में चारों ओर निकल पड़े थे। उसी दिन राजा शीलभद्र ने खुश होकर शिकारी को जागीर बख्शी और अपने राज्य में रहने की जगह दे दी। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि तोता सच कह रहा था। उसने कहा था कि वह उसे मालामाल कर देगा। उसने तो उसे सचमुच मालामाल कर दिया। उसने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और सुख शांति से जो चंद्रपुर में रहने लगा। इधर राजा के आदमी रानी को ढूंढते हुए जो सरगर्मी से काम चल रहा था, वे बहुत ही तेजी के साथ रानी को ढूंढ रहे थे। पहाड़, जंगल सब में वे बिखरे हुए थे। उधर नरभक्षी बड़ी धूमधाम के साथ खुशियां मना रहे थे। आज देवी के सामने दो स्त्रियों की बलि चढ़ने वाली थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ देवी को दो दो बलि चढ़े। इसलिए नरभक्षी आज के दिन को बड़ा भाग्यशाली दिन समझ रहे थे। इस खुशी में वो उस दिन को एक त्योहार की तरह धूमधाम से मना रहे थे। रानी और दासी को उन नरभक्षियों ने गुफा के बाहर लाकर फूलों से सजाया और गाजे बाजे के साथ उन्हें देवी के मंदिर में ले गए।
रानी और दासी का घबराहट के कारण बड़ा बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत खड़ी दिखाई दे रही थी। वे दोनों की दोनों मन ही मन भगवान से जीवन दान की प्रार्थना कर रही थी। नरभक्षी काफी देर तक उन चारों को घेर कर नाच कूद रहे थे। जब वे खूब नाच और गाकर थक गए तो उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंची टोकरी पर बिठा दिया ताकि देवी का प्रसाद सबको अच्छी तरह दिखाई दे सके। वहां बिठाकर वे उनके शरीर को भेदने की तैयारी कर रहे थे। उनकी ऐसी ही परंपरा थी कि पहले वे बलि को तीरों से घायल कर बलि चढ़ाते थे। तीरों से भेदने से पहले उन्होंने अंतिम बार फिर कहा, फिर नाचना गाना शुरू कर दिया और वे नाच गाने में खो गए। कुछ देर बाद जब नाच गाना समाप्त हुआ, सरदार ने अपना तीर कमान उठाया और लोगों की भीड़ में आगे बढ़ा। उसने धनुष तान लिया और तीर छोड़ने की तैयारी करने लगा। रानी और दासी की आंखें दोनों ने बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं एक चमत्कार हुआ। तेज रफ्तार से एक भयंकर पक्षी आकाश की ऊंचाइयों से तेजी के साथ नीचे आया और उसने एक झपट्टे से रानी और दासी को पंजे में उठा लिया और उड़ गया। सरदार और नरभक्षी देखते ही देखते रह गए। वे सब घबरा उठे, इधर उधर देखने लगे, भागने लगे कि यह तो बहुत बुरा हुआ। माता की बलि चली गई। अब जरूर माता हम पर क्रोध करेगी। इस डर से वे जंगल में भागते हुए अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप गए। उड़ते उड़ते वे गिद्ध काफी देर बाद एक टापू पर उतरा। वहां उसने अपने पंजों को ढीला किया। फिर उसने अपने भोजन को जो रानी और दासी थी उसको सूंघ कर देखा। वे दोनों ही बेहोश हो गई थी। गिद्ध जोर जोर से चीखने लगा। वो अपनी मादा को बुला रहा था। उसके चीखने का अर्थ था कि अच्छा भोजन मिलने की खुशखबरी है और वह अपनी मादा को तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था, संदेश पहुंचाना चाहता था जिसकी तलाश में मादा कहीं दूर भोजन की तलाश में निकली हुई थी। नर ने काफी देर तक मादा के आने का इंतजार किया परंतु उसका मीलों दूर तक पता नहीं था। नर को चिंता हुई, मन ही मन सोचने लगा कहीं मेरी मादा किसी आफत में तो नहीं फंस गई। उससे रहा नहीं गया, उसे चैन नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने रानी और दासी को वहीं छोड़ दिया और मादा की तलाश में उड़ चला। समुद्र शांत था, लहरों का पानी किनारे पर आकर वापस लौट रहा था। घंटे भर बाद रानी और दासी को होश आया। जब वे पूरी तरह होश में आ गई तो घबरा कर उठ बैठी हुई। उन्होंने आंखें फैलाकर अपने चारों ओर देखा। उस ऊंची टोकरी और नाचते गाते मधोश नरभक्षियों का वहां कोई पता नहीं था। सामने केवल पानी ही पानी था। एकाएक उन्हें एक जहाज समुद्र की लहरों पर चलता हुआ नजर आया। थोड़ी देर में रानी और दासी उस जहाज की तरफ टकटकी बांधे देखती रहीं। जहाज धीरे धीरे नीचे आता गया। दोनों ने अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में लहराया और हाथ ऊंचा किए पल्लू को फड़फड़ाती रहीं ताकि जहाज पर बैठे आदमी उन्हें देख ले और उनकी मदद के लिए वहां चले आएं। थोड़ी देर बाद जहाज के कप्तान की नजर उनके ऊपर चली गई। उन्होंने जहाज पर बंधी एक छोटी सी नाव को नदी में खुलवाया और उन दोनों को लाने के लिए भेज दिया। नाव आते ही रानी और दासी उसमें बैठ गई। जहाज तक आ पहुंचे। पूछने पर उन्होंने कप्तान को सारी घटना कह सुनाई। जहाज का कप्तान बड़ा दयालु था। उसने उन्हें धीरज बंधाया और खाना खाने के लिए दिया। खाना खाने के बाद रानी और दासी आराम से सो गई क्योंकि वे बहुत थकी हुई थीं। जहाज में सामान लदा हुआ था और चंद्रपुर राजधानी की ओर जा रहा था। रानी और दासी जब सोकर उठी तो मन ही मन वह सोचने लगी कि पता नहीं अब हम कहां जाकर पहुंचेंगे और उनका क्या हाल होगा। भाग्य ने उन्हें कहां से कहां फेंक दिया। कितनी बार वे मौत के चंगुल से बची हैं। पता नहीं आगे उनकी तकदीर में क्या क्या लिखा हुआ है। पता नहीं राजा पर क्या बीत रही होगी। वे कहां होंगे, किस हालत में होंगे। राजा की याद आती। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और दासी ने उनके आंसू पोंछे और बोली, आपने रानी जी अब तक हिम्मत नहीं हारी तो अब और थोड़ी हिम्मत रखिए। हिम्मत की बहुत जरूरत है।
मेरा मन कहता है कि भगवान की हम पर कृपा है और भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। तभी तो हम जो कितने संकटों से बच गए हैं, आगे जो हमारे भाग्य में होगा वही होगा। रानी ने कहा, वो तो ठीक है, परंतु दुख की भी तो कोई सीमा होती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखने पड़े। और रानी रोने लगी। दासी ने कहा, रानी साहिबा, अब भरोसा रखिए, जिसने आप पर आफत डाली है उनको महाराज के हाथों जरूर दंड मिलेगा। आप निर्दोष हैं। और दासी ने रानी को ढांढस बंधाते हुए कहा, तो दासी से रानी कहने लगी, मैं क्या करूं? राजा का वियोग मुझसे अब नहीं सहा जा सकता। उसकी याद में मेरा तन मन फटा जा रहा है। और रानी रोने लगी। जिस तरह भगवान ने, दासी ने कहा कि जिस तरह भगवान ने अब तक हमारी रक्षा की है, उसी तरह राजा की भी रक्षा भगवान कर रहे होंगे। आप रोई मत रानी साहिबा, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। दासी ने अपना मुंह दोनों हाथों से, जो रानी के आंसू पहुंचे तो रानी ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। रानी ने प्यार से उसके, जो दासी को अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन जहाज चंद्रपुरी राजधानी के तट पर पहुंचा। कप्तान ने रानी और दासी को राजा शीलभद्र के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। दरबार लगा हुआ था। राजा शीलभद्र सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में भीड़ जुटी हुई थी। राजा शीलभद्र ने दोनों स्त्रियों की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है और क्या चाहती हैं? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह एक टापू में घिरी हुई थी, सहायता के लिए पुकार रही थी। हमारा जहाज जब उधर से निकला तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें आफत में घिरा हुआ देखा। चारों ओर पानी ही पानी था और जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर यह बेसहारा किसी सहायता की बाट देख रही थी। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर उन्हें अपने जहाज में आश्रय दिया और यहाँ ले आया। अब इन्हें आपका आश्रय चाहिए। महाराज, इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों स्त्रियों को ध्यान से देखा। वे किसी कुलीन घर की स्त्रियां नजर आती थीं। राजा ने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो और टापू पर कैसे पहुंच गई? रानी की आंखें डबडबा गई। सिर नीचे किए हुए बोली, बहुत दुखियारी हूँ महाराज। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है, समय आने पर सब कुछ बताऊंगी। अभी तो आपसे मैं बस इतनी प्रार्थना करती हूँ, हमें कोई आश्रय मिल जाए। अभी हम इस हालत में नहीं हैं जो उस लंबी कहानी को आपको सुना सकें। दुखों और परेशानियों से उनकी हालत काफी जो पेचीदा हुई बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी। राजा शीलभद्र उनकी हालत गए और उनकी परिस्थिति को समझ गया। उनसे फौरन आज्ञा दी, ठीक है, इन्हें जनाना खाने में पहुंचा दिया जाए और इनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। आज्ञा पाते ही उन्हें कुछ सेवक जनाने खाने में ले गए। जनाना खाने में चलते चलते रानी और दासी ने राजा की दुहाई दी। दरबार मन ही मन राजा के कृपालु स्वभाव की प्रशंसा करने लगा। कुछ ही देर हुई होगी कि एक दूत ने हौंफते हुए दरबार में प्रवेश किया और सूचना दी, महाराज, कुछ उपद्रवी अपनी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति और पशुओं को लूटपाट कर ले जा रहे हैं। अगर तुरंत सहायता न मिली तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा ये खबर सुनते ही क्रोध से तमतमा उठा। उसने हाथ की मुठियां कस गई। आग बबूला होते हुए बोला, मेरे राज्य में दुष्टों की यह मजाल जो दिन दहाड़े घुस आए और गरीबों को लूट रहे हैं। फौरन सैनिकों से कहो, सेनापति सैनिकों की फौज तैयार करो, उनको जो भी उपद्रवी हैं, उनको जिंदा कैद करके मेरे सामने लाकर खड़ा करो, उनको उचित दंड मिलना चाहिए। ये कहकर राजा चिंतित से आसन से उठ खड़े हुए। उनके साथ सारे दरबारी भी उठकर चल दिए। अब राजा अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने उनकी हालत देखी और पूछा, क्या बात है महाराज? कुशल तो है, आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उन उपद्रवियों का किस्सा सुनाते हुए कहा,
कुछ समझ नहीं आ रहा कि थोड़ी देर पहले मैंने दो बेसहारा स्त्रियों को अपने यहाँ आश्रय दिया है और उसके थोड़ी देर बाद ही आफत की सूचना मिली। मुझे ऐसे लगता है जैसे दोनों स्त्रियाँ अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ आफत लाई हैं। मुझे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। ये कहकर राजा परेशान सा अपने कक्ष में टहलने लगा। तोता चुप रहा, उसकी बेचैनी राजा को देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में राजा से क्या कुछ कहा जाए। वह केवल इतना ही बोला, महाराज बेकार में चिंतित मत होइए माँ, सब ठीक होगा। कोई किसी के लिए आफत नहीं लाता, होनहार होनहार को कौन टाल सकता है, होनी तो होकर रहती है। राजा ने जवाब नहीं दिया, उसी तरह चिंतित से अपने कक्ष में घूमते रहे, जैसे तोता की कही हुई बात उन्हें जंची नहीं। दो तीन दिन गुजर गए। रानी ने इसी बीच राजा के पास एक अर्जी पहुंचाई कि महाराज हमें आश्रय दिया है, विपत्ति के समय में उनकी बड़ी कृपा है, इस कृपा को हम आपकी भूल नहीं सकते, लेकिन हम निचले बैठे रहकर राजा के टुकड़े नहीं तोड़ सकते, ये हमें शोभा नहीं देता, इसलिए हमारी अर्ज है कि हमें कोई भी नौकरी चाकरी मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझेंगे। महल में काफी दास दासियां हैं, हमें भी इनमें से एक समझा जाए। उनकी अर्ज सुनकर राजा को पहले तो माथा ठनका, परंतु फिर एकाएक ख्याल आया, यह अच्छा अवसर है जब दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी करुणा की देख रेख के लिए उन्हें काम सौंप दिया जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी, आंख बजते ही वो चीजों पर हाथ साफ करने से नहीं चूकती थी। राजकन्या अरुणा भी चोरियों से तंग आ चुकी थी। राजा को यह अच्छा मौका मिला, उन्होंने तुरंत ही रानी को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया और पुरानी दासी गोमती को नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटते ही गोमती की जो बहुत जलन पैदा हुई वो मानी। मन सोचने लगी, अगर ये दासी नहीं आती तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो मन ही मन रानी जो दासी बनी थी उसे बदला लेने की युक्ति सोचने लगी। एक दिन रानी सदा की तरह उदास और चिंतित बैठी थी। उसे यूँ चिंतित बैठी देखकर राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी, तुम हमेशा चिंता में डूबी रहती हो, ना हंसती हो ना बोलती हो, चलो थोड़ा बाग भी घूम कर आए, काफी दिनों से मैं कहीं नहीं निकली हूँ। रानी ना चाहते हुए भी राजकुमारी के साथ चल दी। इस बीच गोमती ने उन्हें बाग में टहलते हुए देख लिया, वह ऐसे अवसर की ताक में थी। वे फौरन लपकी और महल के दरवाजे पर पहुंची। द्वारपाल ने उसे रोका, लेकिन उसने जवाब दिया कि राजा से बहुत जरूरी अर्ज करनी है। द्वारपाल ने उसे इजाजत दे दी। फिर क्या था, वह चुपचाप कन्या के कक्ष में छिपती छिपाती जा पहुंची और वहां जाकर उसने अरुणा देवी का रत्नजड़ित कंगन चुरा लिया और फिर छिपती छिपाती महल से चुपचाप निकल गई। उधर जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर आई तो अपने कक्ष में जड़ाऊं कंगन गायब पाया। फौरन फौरन महल में खलबली सी मच गई। दास दासियां इधर उधर भागदौड़ करने लगे होते। शाम होते होते राजा के कानों तक भी बात पहुंची। घूमते घूमते सबका साथ रानी पर ही गया कि हो ना हो यही कंगन की चोरी नहीं की है। राजा का भी माथा फिर ठनका। उन्हें तो पहले से ही लक्षण अच्छे नहीं नजर नहीं आ रहे थे। इन दो स्त्रियों के कदम रखते ही अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए और अब ये दूसरी अप्रिय घटना हो गई। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी, इन दोनों स्त्रियों को फौरन महल से निकाल दिया जाए। पता नहीं ये किस मनहूस घड़ी में यहाँ आई हैं। मैं उनकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। आज्ञा पाती रानी और दासी को महल से बाहर ढकेल दिया। अपमान और दुख से रानी का हृदय तड़प उठा। भाग्य के खिलवाड़ पर आंसू बहाती हुई रानी और दासी उस अजनबी राज्य में उसी रास्ते पर चली जा रही थी जिस पर कुछ दिन पहले वह चलकर आई। रानी और दासी के महल से निकलने के थोड़ी देर बाद ही राजा शीलभद्र को दूत ने आकर खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा, महाराज उपद्रव खत्म हो गया है, दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा अनुसार उपद्रवियों को भी कैद कर लिया गया है। इधर तो राजा इस समाचार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे।
उधर द्वारपाल के भेजे आदमियों ने दासी गोमती को चुराए हुए कंगन सहित पकड़ लिया और पकड़कर वे लोग उसे राजा के सामने पेश करने के लिए आ रहे थे। जैसे ही राजा को पता चला कि असली चोर तो गोमती है, वैसे ही उसको जो उन्होंने फौरन ही रानी और दासी को ढूंढने के लिए अपने आदमी दौड़ाए और आज्ञा दी कि वे दूर कहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, उन्हें वापस बुलाकर लाओ। आज्ञा पाते ही राजा के नौकर दौड़ पड़े और 4-6 घंटे की दौड़ धूप करने के बाद उन्हें ढूंढ निकाला और राजा के पास ले आए। जैसे ही रानी और दासी उनके साथ कक्ष में अपना पांव रखा, वैसे ही राजा कुछ आगे बढ़े और शर्म से सिर झुकाते हुए भारी गले से बोले, बहन मैं बड़ा लज्जित हूँ। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया, तुम्हें ठेस पहुँचाई। तुम्हारे इस निराधार निरादर के लिए मुझे सचमुच बड़ा पश्चाताप है। राजा की बातें सुनते ही रानी की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। इतने में तोता की नजर रानी पर पड़ी। उसका हृदय चीत्कार कर उठा। आंखों में आंसू बह चले और पिंजरे में बंद शरीर बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। वह जोर जोर से चीखा कि सारा कक्ष भर उठा। उसकी चीखों से सुखदेव रह रहकर थड़ियों पर अपनी चोंच मार रहा था। एकाएक राजा और रानी का ध्यान पिंजरे की ओर गया। तोते की आंखों से आंसू झरते देख राजा ने आश्चर्य से भर उठा। उसे बड़ा धक्का सा लगा कि उसके प्यारे तोते को क्या हो गया। आगे बढ़कर उसने बहुत ही प्यार से पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है सुखदेव, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? एकाएक एक एक पंख में आज कैसी घबराहट देख रहा हूँ मैं? तब उस तोते ने चोंच में दबाते हुए बोला, महाराज मेरी रानी है ये। उसकी साड़ी उसने अपनी चोंच में दबा ली। ये कैसा विचित्र संयोग है, मेरे लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सुखदेव की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पागल से कभी सुखदेव को तो कभी रानी को देखने लगा। अपनी पलक पिंजरे की तरफ रानी देखे जा रही थी। उसके मुंह से एकाएक निकला, आप यहाँ, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसा विचित्र मिलन होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर राजा चंद्र प्रताप को नमस्कार किया और बोली, स्वामी आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रहीं, आकाश पाताल एक कर दी, भाग्य का खूब खिलवाड़ भी देखा, दर दर की ठोकरें खाई, हम एक तरह से निराश हो चली थीं, परंतु वाह रे मेरे भाग्य के खेल, आप मिलन बना हुआ था और अब पूर्ण हो गया। इससे बड़ा सुख अब और क्या हो सकता है? और बाद में रानी का गला रुंध गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने सारे पर्दे हट गए। अब उन्हें पता चला जो स्त्री उनके यहाँ दासी बनकर रह रही थी वास्तव में वह एक रानी है। इस वास्तविक वास्तविकता का पता चलते ही जो राजा को सच्चाई पता चली। हाँ परंतु वाह रे मेरे भाग्य के खेल, आपसे मिलना लिखा था अब पूर्ण हो गया। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? और बाद में रानी का गला रुंध गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से सारे पर्दे हट गए थे। अब उन्हें पता चला कि जो स्त्री उसके यहाँ दासी बनकर रह रही थी वो तो सच में एक रानी थी। इस सच्चाई का पता चलते ही वो पानी पानी हो गए और शर्म से उन्होंने गर्दन झुका ली। सचमुच ये बड़ा ही करुण दृश्य था। उसी दिन तोते का पिंजरा राजा के कक्ष से उठाकर रानी के कक्ष में चला गया। रात में बहुत देर तक चंद्र प्रताप और रानी के बीच बातचीत होती रही। दोनों अब तक कहां कहां क्या क्या गुजरी उन बातों का जिक्र कर रहे थे और दोनों आगे का उपाय सोचने बैठ गए। परंतु कोई भी रास्ता नजर नहीं आया कि क्या करें क्या न करें। उस दुष्ट शीशपाल से कैसे बदला लिया जाए, इसी सोच विचार में कुछ दिन गुजर गए। उन्हीं दिनों राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा देवी का स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। दास दासियां क्या सारा का सारा राज्य स्वयंवर की तैयारियों में जुट गया। जगह जगह से राजा महाराजा राजकुमार आने वाले थे। उनकी सुख सुविधा ठहराने आदि का प्रबंध में लोग व्यस्त थे। मंडप को खूब सजाया गया था। महल की सजावट देखते ही बनती थी। दास दासियों को पल भर की भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी।
रानी जानती थी कि दूर दूर से महाराज स्वयंवर में भाग लेने आएंगे। एक रोज उसने तोते से यही बात चलाते हुए कहा, मेरे ख्याल से वो दुष्ट मंत्री भी जरूर आएगा। हो सकता है, पर यह भी जरूरी नहीं कि वह आए ही, तोता ने उत्तर दिया। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसका यहाँ आना जरूरी है। अगर वह यहाँ नहीं आएगा तो मेरी सोची हुई बात अधूरी रह जाएगी। राजा ने कहा, क्या सोचा है तुमने? क्या अधूरा रह जाएगा? तोता बने राजा ने अधीर होकर कहने लगे, मुझे बताओ। तो रानी कहने लगी, मैंने सोचा है इस स्वयंवर में रानी राजकुमारी केवल एक ही शर्त रखे कि वह उसे उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती है। राजा शीलभद्र की ओर से अगर यह ढिंढोरा पिटवाया जाए तो मेरा मन कहता है कि शीशपाल मंत्री स्वयंवर में जरूर आएगा और भाग लेगा, क्योंकि उसे यह विद्या आती है और अब ये काम तुम्हारा है। राजा शीलभद्र को इसके लिए तुम किसी तरह सहमत कर लो ताकि मेरी योजना पूरी हो सके। तोता बने राजा ने अपनी रानी की बात को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी उसे आश्वासन देते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जरूर करने की कोशिश करूंगा। रानी खुश होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम मेरे जिम्मे रहा। दूसरे दिन तोता बने राजा ने राजा शीलभद्र को स्वयंवर के लिए उस शर्त के लिए राजी कर लिया। चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया गया। राजकुमारी के उसी के साथ जो वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती हो। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ गया। मंडप में कितने ही राजा, महाराजा, राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। अभी राजकुमारी वहां आई नहीं थी। एक तरफ दर्शकों की अपार भीड़ थी। मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा महाराज राजकुमारों का धन्यवाद दिया और स्वयंवर की शर्त का दोहराकर उसका ऐलान कर दिया। राजकुमारी के आने की बस तैयारी हो रही थी। इतने में मंडप के बाहर शोरगुल सा सुनाई पड़ा। बाहर कहीं किसी के लड़ने चीखने की आवाज आ रही थी। राजा शीलभद्र ने देखा, एक शिकारी अपना कुत्ता लिए हुए इस एक औरत मरी हुई मुर्गी लिए हुए आ रहे हैं। राजा शीलभद्र ने कड़क कर कहा, यह क्या तमाशा है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? उस कड़क भद्दी आवाज में यह मंडप में घोर सन्नाटा सा छा गया। वो एक किसान स्त्री ने अपनी मरी मुर्गी महाराज के सामने फर्श पर रखते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती माफ हो सरकार, एक फरियाद लेकर आई हूँ, ये फरियाद का वक्त नहीं है। राजा ने कहा, हमारी राजकुमारी के विवाह में विघ्न पैदा करने की तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई? क्या तुम जानती हो इसकी सजा क्या है? राजा ने गरजते हुए कहा, तो वह कहने लगी, महाराज, मेरी मुर्गी को इस शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है। मैं आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूँ, मुझे इंसाफ दिलवाइए, यह विवाह का शुभ अवसर है। शुभ अवसर पर काफी खून खराबा होगा। राजा शीलभद्र ने किसी प्रकार अपने पर काबू करते हुए कहा, क्या चाहती हो? जल्दी बोलो। तो वो बोली, मेरी मुर्गी मुझे चाहिए। महाराज, मुझे सिर्फ अपनी यह मुर्गी चाहिए। यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे बाप की दी हुई निशानी थी, किसान की स्त्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, ये कैसी बात करती हो, भला वो मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? तब वह कहने लगी, महाराज, मुझे तो बस मुर्गी चाहिए अपना आंचल फैलाकर भीख मांगती हूँ, मुझे यकीन है मैं आपके दरवाजे से निराश नहीं लौटूंगी। किसान की स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही। राजा परेशान था। सारी सभा सांस रोके राजा के फैसला सुनने के लिए अधीर हो रही थी। इतने में राजा को ध्यान आया कि आज स्वयंवर के में हमने जो शर्त रखी है उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला राजा महाराजा या राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। ये ख्याल आते ही राजा के चेहरे पर खुशी नाचने लगी। इतने में ही राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए अपनी सहेलियों के साथ मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने उठते हुए घोषणा की, जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा उसी के गले में हमारी राजकन्या अपनी वरमाला डालेगी।
घोषणा सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा महाराजा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री शीशपाल अपने आसन से उठा और सभा मंडप के बीच आ गया। उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिंजरे में बैठा तोता ये तमाशा देख रहा था। जैसे ही शिशुपाल ने अपने संजीवनी मंत्र को पढ़ना शुरू किया, वैसे ही तोता ने उसका उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप लाख कोशिश करने पर भी मंत्री शीशपाल का मंत्र नहीं चला। शीशपाल को काटो तो खून नहीं। सारी सभा में उसका मजाक उड़ गया। हारकर शीशपाल ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहूँगा। इजाजत है तो शीलभद्र। राजा तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद शीशपाल को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर में ही मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पर फड़फड़ाने लगी। सभा में खुशी से तालियां बजने लगी। उधर तोते ने पर सब प्रवेश मंत्र पढ़ना शुरू किया और शीशपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी तो तोते ने की आत्मा जो शीशपाल के शव में, क्योंकि वे सब पहले राजा का ही था, अब बंद कमरे में शीशपाल का शव पड़ा था और सुखदेव की आत्मा शीशपाल के सब में प्रवेश कर चुकी थी। खाली पिंजरे में सुखदेव का शव पड़ा था और मुर्गी मंडप में फिर से जीवित होकर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद राजा चंद्र प्रताप उस बंद कमरे के बाहर निकले और मंडप में आकर मुर्गी से बोले, क्यों मंत्री जी, कैसी रही? ये कहकर उन्होंने एक अट्टहास लगाया। मुर्गी के रूप में मंत्री जो खिसिया आता हुआ बोला, अच्छा तो तू था, ये है, और तू ही मेरी संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहा था, तो नहीं तूने ही पर सब प्रवेश मंत्र का जाप करके मेरा ये हाल किया है। वो किसान, स्त्री और शिकारी अपने असली रूप में आ गए। वह रानी और उसकी दासी थी राजा शीलभद्र। राजा चंद्र प्रताप को असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुर्गी के रूप में उस दुष्ट मंत्री को जो मौत की सजा दी। राजा चंद्र प्रताप और रानी का खूब आतिथ्य सत्कार किया गया। कुछ दिनों बाद राजा चंद्र प्रताप अपनी रानी और दासी सहित अपने विराट नगर को लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।